बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं, लेकिन ये खबर बड़ी दर्दनाक है। जो बीती रात झारखंड में घटना हुई उससे जुड़ी है। झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ, कई लोगों की ट्रेन की चपेट में आने की खबर है। रेलवे ने 2 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। तो ये बहुत गंभीर हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों के मौत की पुष्टि अब तक रेलवे ने की है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। आपको हम बता रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है। ये घटना जो है कल झारिया रेलवे फाटक के पास हुई। बीती रात जब डाउन लाइन पर अंग एक्सप्रेस आ रही थी, अचानक आसपास धूल उड़ी और अंग एक्सप्रेस रुक गई। इस दौरान कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। तभी थोड़ी देर में एक EMU ट्रेन आ गई और ये हादसा हो गया। हालांकि खबर ये भी आई है कि जब आसपास धूल उड़ी तो अंग एक्सप्रेस के ड्राइवर को आग लगने का शक हुआ था, तो ट्रेन रोक दी और ट्रेन रुकते ही कई यात्री उतर गए। हालांकि बाद में रेलवे की ओर से साफ कर दिया गया कि आग या चिंगारी जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हादसा हुआ है इसलिए वजह का पता लगाना भी जरूरी है। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। हम उसी भयावह हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिन में जो है घटोत्कच द्वारा पत्थर का फिटाव किया गया था पट्टी के बगल में, और एक ट्रेन आई एक्सप्रेस ट्रेन, पत्थर जो है चक्का के नीचे जाने के कारण जो है आगजनी हुआ और शायद उस ट्रेन में चेन पुल किया गया, और चेन पुल होते ही सारे यात्री नीचे उतर गए दूसरे पटरी की तरफ। और उधर से एक लोकल ट्रेन आई जिसमें 150-200 मरने की आशंका थी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्पॉट में अभी 2 मृतक हम लोग देख के आए हैं और उधर आगे तरफ मृतक होने की संभावना है। अभी प्रशासन द्वारा खोजबीन चालू है। हमें पता चल पाया है कि एक ट्रेन जो है अंग एक्सप्रेस वो भागलपुर से यशवंतपुर की तरफ जा रही थी और 262/19 पे वो गाड़ी रुकी और उसमें पैसेंजर्स की तरफ से कुछ स्मोक या धूल की बात कही। ये 19 बजे ये घटना हुई और 19:07 पर हम लोग को खबर आया कि जो मेमो जो अपने जा रही थी 23677 उससे 2 लोग डैश हुए और ट्रैक के बगल में गिर गए। जिला प्रशासन की मदद से उन लोगों को यहाँ लाया गया और अब जो डाउन में ट्रेन खड़ी थी उसको ड्राइवर और गार्ड जो थे उन्होंने जांच की, बतला कि ऐसी कोई आ गया चिंगारी की बात नहीं है। इस बीच पूर्वी रेलवे के CPRO का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर मरने वाले व्यक्ति यात्री नहीं थे, वो ट्रैक पर चल रहे थे और चपेट में आ गए। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। बयान सुनाते हैं। जामतरा में जो इंसिडेंट हुआ 12254 बोल के एक ट्रेन है, वो अंगद एक्सप्रेस, वो जामतरा स्टेशन के आसपास में कसीटारा जामतरा के बीच में किसी कारणवश रुक गया। बगल में एक ट्रैक है उसी में 2 आदमी पैदल ही चल रहे थे, उसमें रन ओवर हो गया। ऑपोजिट साइड से जो ट्रेन आ रही थी लोकल ट्रेन उसमें रन ओवर हो गया। ये CPRO हम इसको खंडन करता है, ये गलत है, ये खबर गलत है। 2 आदमी जो ट्रैक में चल रही थी उन लोगों का रन ओवर हुआ है, वो भी लोकल ट्रेन में 2 किलोमीटर के दूरी में। हम लोग एक जांच कमेटी बैठाए हैं जो इंक्वायर कर रहे हैं इंसिडेंट। मौत का जो खबर है हम पुष्टि कर रहे हैं, ये 2 आदमी का मौत हुआ, 12 आदमी का मौत, ये गलत खबर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।